हाय फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? बिट्टू सीमा ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। तो अभी बज रही है 9 बज रहा है, रात है, और बिट्टू जी ड्यूटी से आ गए और उनकी बहुत ही तबीयत खराब हो गई। उससे पहले भी खांसी भी हो रही है उनको। उससे पहले तो चौक पे गए थे तो दवाई लेकर के आए भी थे और 2 खुराक ही लेकर के आए थे, खाए थे तो आराम हो गया। फिर सुबह ड्यूटी चले गए, फिर वहाँ पे बहुत ही तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब मतलब बुखार लगता है, खांसी हो रही है और सर्दी मतलब दर्द पूरा हाइपर हो गया है पूरा। तो अभी आए हैं वहाँ से, काम फिर से आए हैं 7:30 बजे। बहुत ही इनका तबीयत खराब था, हमको पता भी नहीं था कि इनका तबीयत फिर से खराब हो गया है। हमको पता था तो मैं रोटी बना के रखती, चावल बना ली और सब्जी, हमको पता नहीं था। अब हम क्या करेंगे? तो फिर सोचे कि दवाई भी तो नहीं था इनका जो खिला दे, थोड़ा आराम हो जाएगा। अभी सोचे दुकान चालू होगा कि नहीं, तो फिर हम जा रहे थे दुकान तो बोले चलो मैं भी चलती हूँ, तुम असगढ़ इतना दूर मत जाओ। तो फिर उनको जाने का मन नहीं था, फिर भी मेरे साथ गए, दवाई लेकर के आए हैं। अभी चलो दिखाते हैं आपको। अभी इतना ही लेकर के आए हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने रोटी बनाई है, आधा वो रोटी खाए हैं ये, और मैंने इनको दवाई खिला दी है। अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, बहुत ही माथा एकदम गर्म है सब, देख सकते हैं। और ये सब कैसे हुआ है? खांसी हो रही है, देख सकते हैं। और ये सब कैसे हुआ है? भर भर रात जागते हैं, पता है, डे करके आते हैं, फिर रात में वीडियो हम बनाते हैं। हम तो वीडियो बना के सो जाते हैं और एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, एडिट करके उसके बाद फिर ऊपर से मतलब अथी पे डालते हैं, तो बहुत समय लगता है, बहुत जागे रहते हैं, सही से सो नहीं पाते हैं। ये सब काम के चक्कर में इनका मतलब सब जो है ना, एकाएक वही सब निकल रहा है, कहता है ना अति हो जाता है, एकाएक वही हो गया। बहुत ही तबीयत खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। अभी तो फिलहाल दवाई खिलाए हैं, देखिए होता है कि नहीं। हम सोच रहे हैं ना कि बहुत खांसी हो रही है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। अभी जा रहे, सोच रहे गरम तेल करके पूरा देह में लगा देते हैं, शायद इसे थोड़ा आराम होगा। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तबीयत खराब हो गई है, टेंशन बहुत हो रहा है, क्या करे। चलिए हो गई, तेल गरम कर देते हैं। क्या क्या इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं। सच में हम लोग को जो रियल होता है ना, हम आप लोग को वही दिखाते। ऐसा नहीं आप लोग कितना कमेंट करते हैं नटंकी, ऐसा नहीं है कोई शरीर के लेकर नटंकी नहीं कर सकता है, समझे ना। ऐसा मत सोचिए मेरे बारे में चाहे उनके बारे में, समझे। मैं अभी थोड़ी तेल गरम कर देती हूँ सरसों को और उनका थोड़ी पूरे बदन में लगा देती हूँ ताकि राहत मिले इसे। उनको तो बुझने भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता कि क्या करें नहीं करें, जिससे उनको थोड़ा सा सही रहे। तो रुकिए आप लोग से थोड़ी मिनट में मिलते हैं। तो फिर मैंने तेल गरम कर ली और लेके मैं अभी जा रही हूँ, उनको लगा देती हूँ। सोचती हूँ कि शायद उसे थोड़ा सा शरीर अच्छा हो। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तेल रख दिया, इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया। क्या फायदा करेगा कि नहीं कुछ समझ में आ रहा। तो मैंने देखती थी घर पर कभी किसी को ऐसा तो ऐसी करना चाहिए। तबियत बहुत अच्छा से खराब लग रही है, थोड़ा भी आराम नहीं है। बस कुछ बोल सकते हैं? मन करा नहीं बोलेगा। इनको भी बहुत हालत खराब हो गई है, क्या कहे समझ नहीं आ रहा है हमको, तो बहुत ही टेंशन हो रही है। क्या करूं, मुझे उतना दिमाग भी नहीं है, क्या करे। दवाई तो आंधी है, खाए हैं, जब भी मैंने तेल गर्म पर ट्राई लगाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बात करो कुछ, देखो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है दोस्तों।
दोस्तों मतलब कहना चाहते हैं कि थोड़ा हार्ड वर्क के कारण थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, और बात यह है ना कि कंपनी में इतना पानी ठंडा मिल रहा है उससे मेरा पूरा गला जम हो गया है। और कहने का मतलब यह हुआ ना कि कंपनी में हमेशा जो है ना क्या कहें माथा में कैप देता है पहनने के लिए, वो कैप हम लेके आए हैं, इसमें दिखा सकती है क्या, एक मिनट। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो कैप है ना, ये कैप क्या बोले, इसके अंदर होता है रबर्ट, जो मुंबई दिल्ली कोलकाता कई बार काम करते हैं पता होगा, तो इसके कारण आपको पता है, यहाँ देखा ये यहाँ पता चल रहा होगा एक बड़ा सा सड़क जैसा हो गया है, इसे माता इतना दर्द करता है, ऊपर से ये ऐसा दबा जाता है, ऊपर से मास्क लगा लो, हालत पूरा खराब, कंपनी में खाली कपड़े का प्रदूषण, ठंडा पानी से हालत खराब हो गया। इधर देख सकते हैं ये जो दवाई है ना, ये खाए है, ये शायद माथा दर्द या कुछ ऐसी है, आपको इतना पता नहीं है, लेकिन ये जो है बुखार का है, फीवर का इतना पता है, और ये दर्द कैसा है, इतना सब होने के बाद फिर हम ड्यूटी गए, और इनका आवाज भी पूरे सब लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, पूरा गाला भी पूरा बजा हुआ है, आवाज भी नहीं समझ में आ रही होगी, और इतना सब होने के बाद पता है ड्यूटी गए, ड्यूटी भी शाम को ऐसा जगह लगा दिया ना, क्या बोले, हर दिन पूरा मन नचते रहा, पूरा हालत खराब रहा, जैसे आए तैसे शिफा को बताए तो हम दवाई वाई लिए। तो मैं इनको थोड़ा तेल लगा देती हूँ, लहसुन वाला ठंडा हो जाएगा, ठीक है, मैं आप लोग से बाद में मिलती हूँ, थोड़ी देर में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है, मैं इनको थोड़ा लगा देती हूँ, चलिए आप लोग से बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड अभी हम इनको पूरा तेल लहसुन तेल में लहसुन डाल के गर्म करके पूरा देह मालिश कर दिए, मतलब लगा दी पूरा देह में, ताकि देह में गर्मी आएगा और थोड़ा सा इनको अच्छा फील होगा। तो देखिए अभी तो लगा दिए, सोच रहे अभी माथा में भीक्स लगा देते हैं अच्छा से, अपना माथा ऊपर बढ़िया से दबा देते हैं, ताकि थोड़ा शायद राहत मिल जाए उससे, इनको हम अभी लगा देते हैं, क्या करें, हमको तो जितना पूछने आ रहा है उतना कर रहे हैं। तो देखिए कोई बड़ा आदमी रहता है ना, उसकी बात ही कुछ और रहता है, थोड़ा सा बड़ा आदमी समझाते हैं कैसे, हमको उतना बुझने नहीं आता, जितना आता है उतना कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी इनको लगाती हूँ, तो फिर मैं इनको लगा देती हूँ भिक्स झंडू राम। देखिए ना खांसी की भी दवाई दिया है, अभी गए थे तो लाने के लिए, सब दुकान बंद था, एक ही वो मेडिकल था जो चालू था उसी में से लेकर के आए, अब देखिए ठीक होगा तो होगा, नहीं तो सुबह डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, भगवान की दुआ है, प्लीज आप लोग भगवान से दुआ करिए कि इनको तबीयत ठीक हो जाए, इनको बहुत टेंशन होता है यार, कोई नहीं है यार बताइए, हम ही है, और ये इनको कुछ हो जाएगा तो कैसे हालत में रहेंगे फिर बताइए, समझ नहीं आता है, कितना अच्छा था रूम लिए नया नया, सोचे अच्छा से इधर वीडियो बनाएंगे और सब अच्छा होगा, क्या हो रहा है इनके साथ समझ नहीं आ रहा है, क्या करे, पता नहीं हम लोग को ही भगवान इतना दुख क्यों देते हैं समझ नहीं आता है, इतना हम लोग इतना तकलीफ में भी सलाह हंस के रहते हैं, ताकि सलाह पता है खुश रहने से खुशी आता है, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया हम लोग, तबीयत खराब हो जाए, काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा बताइए, इनका तबीयत ठीक होगा तभी तो जाएंगे काम पे, ठीक है फिर उनको और लगे थोड़ा और अच्छा से दवा, क्या बोले बस आप लोग है, आप लोग एक सहारा है कि आप लोग हम लोग को हिम्मत दीजिए कि हम लोग को हिम्मत ना टूटे और सब अच्छा चले, क्या करें हम तो बहुत रोने का दिल करता है, क्या करें समझ नहीं आ रही है, बट कोई बात नहीं है करते रहे हमारी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे यही पे वीडियो का कमेंट करते हैं, गर्मी बहुत लग रहा है।
ठीक है बाय। ठीक है, इनको अच्छा से थोड़ा सा दबा दे रहे थोड़ा सा।